आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बदमाशों ने रविवार की रात फिल्म स्टाइल से घर के बाहर खड़ी जीप को पार कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना रीवा जिले के मऊगंज थाने के चाक मोड़ की है, जहां के निवासी मनोज जायसवाल ने अपनी जीप को घर के बाहर खड़ा किया था। रात में जब पीड़ित परिवार सो गया तो बदमाशों ने धावा बोल दिया। देर रात 4 की संख्या में बदमाश पहुंचे, जिन्होंने पहले गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे धक्का देकर घर से दूर ले गए। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर फरार हो गए। इस दौरान अंदर सो रहे परिजनों को भनक तक नहीं लग पाई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो गाड़ी गायब थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तत्काल सभी थानों को सूचना दी। हालांकि उससे पहले ही आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर निकल चुके थे। वारदात में यूपी के बदमाशों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, जो पहले भी सैकड़ों घटनाएं कर चुके हैं। हालांकि काफी समय से बदमाश भूमिगत थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दस्तक दे दी। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उनकी तलाश में पुलिस टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।